1857 की क्रांति भले ही अपने मकसद में सफल ना हो सकी हो, लेकिन हिंदू एवं मुस्लिम क्रांतिकारियों की एकजुटता ने अंग्रेजी सरकार को बैकफुट पर ढकेल दिया था। इस क्रांति में बहादुर शाह, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे सहित कई क्रांतिकारी शामिल हुए थे, लेकिन उस लड़ाई के कुछ ऐसे हीरो भी थे जिनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया। ऐसे ही एक जांबाज सिपाही को इतिहास की वीरान गलियों में छोड़ दिया गया। ये वो क्रांतिकारी हैं जिनका जिक्र इतिहास की किताबों में भी नहीं मिलता। देश के लिए उनकी कुर्बानी, उनकी शौर्य गाथा वक्त के पन्नों में कहीं खोकर रह गई है। नाम है शहीद पीर अली खां। बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से सटा एक छोटा सा पार्क, शहर से हवाई अड्डे को जोड़ने वाली एक सड़क और एक पटना का मोहल्ला, इन सभी जगहों पर शहीद पीर अली खां का नाम दर्ज है। लेकिन इस पार्क के सामने से या फिर इन सड़कों से हर रोज़ गुजरने वाले ज़्यादातर लोग इस नाम से अनजान हैं। जो लोग ये जानते हैं कि पीर अली खां आज़ादी की लड़ाई के सिपाही थे, वो भी इस बात से बेखबर हैं कि आखिर पीर अली ने आज़ादी की किस लड़ाई में हिस्सा लिया था। पीर अली खां से अंग्रेज़ी हुकूमत इतना खौफ खाती थी कि उन्हें गिरफ्तार करने के 2 दिन के अंदर बिना कोई मुकदमा चलाए उन्हें सरेआम फांसी दे दी गई थी। पीर अली खां का जन्म 1820 में आजमगढ़ के एक गांव मोहम्मदपुर में हुआ था। किशोरावस्था में वो घर से भागकर पटना आ गए थे। पटना के ज़मींदार नवाब मीर अब्दुल्ला ने उनकी परवरिश की और पढ़ाया लिखाया। बड़े होने पर नवाब साहब की मदद से उन्होंने किताबों की दुकान खोल ली। आगे चलकर वही दुकान बिहार के क्रांतिकारियों के जमावड़े का अहम ठिकाना बन गया। क्रांतिकारियों के संपर्क में आने के बाद पीर अली खां दुकान पर क्रांतिकारी साहित्य मंगा कर रखने लगे। पीर अली ने अंग्रेज़ों की गुलामी से देश को आज़ाद कराने की मुहिम में अपने हिस्से का योगदान देना अपने जीवन का मकसद बना लिया। उनका मानना था कि गुलामी की ज़िंदगी से मौत बेहतर होती है। समय के साथ वे दिल्ली और अन्य स्थानों के क्रांतिकारियों के साथ संपर्क में आए। दिल्ली के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक अजीमुल्ला खान उनके आदर्श थे, जिनके सुझाव और दिशा निर्देशों पर वो चलने लगे। पटना गांधी संग्रहालय के अध्यक्ष रजी अहमद कहते हैं कि 1857 की क्रांति के वक्त पीर अली खां घूम घूम कर लोगों में आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए जागरूक कर रहे थे। 3 जुलाई 1857 ये वो तारीख है जब पीर अली ने आज़ादी के आंदोलन को धार देते हुए अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती दी थी और उसकी गूंज इंग्लैंड तक महसूस की गई थी। तब पीर अली की अगुवाई में कई टुकड़ियों में बंटकर इन हथियारबंद युवाओं ने पटना के गुलजार बाग में अंग्रेजों के एक प्रशासनिक भवन को चारों तरफ से घेर लिया। यह वही भवन था जहां से प्रदेश के लोगों की क्रांतिकारी गतिविधियों पर नज़र रखी जाती थी और उन पर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार होती थी। वहां तत्कालीन कमिश्नर विलियम टेलर ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवाईं। कई क्रांतिकारी मौके पर ही शहीद हो गए, लेकिन पीर अली खां और कुछ क्रांतिकारी वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। 2 दिनों के बाद 5 जुलाई 1857 को पीर अली और उनके दर्जनों साथियों को पुलिस ने बगावत के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें यातनाएं दी गईं। पटना के तत्कालीन कमिश्नर विलियम टेलर ने उनसे कहा, अगर आप अपने क्रांतिकारी साथियों के नाम बता देंगे तो आपकी सज़ा टल जाएगी। लेकिन पीर अली ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पीर अली ने जवाब में कहा कि ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब जान बचाना ज़रूरी नहीं होता है, कई ऐसे मौके भी आते हैं जब जान देना ज़रूरी हो जाता है। यह वक्त जान देने का है। 7 जुलाई 1857 को पीर अली को उनके कई साथियों के साथ फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेज़ अधिकारी पीर अली से उनके सभी साथियों के नाम जानना चाहते थे, लेकिन पीर अली ने देश से गद्दारी करने के बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझा। फांसी के फंदे पर झूलने के पहले पीर अली के आखिरी शब्द थे, तुम हमें फांसी पर लटका सकते हो लेकिन हमारे आदर्श की हत्या नहीं कर सकते। मैं मरूंगा तो मेरे खून से लाखों बहादुर पैदा होंगे जो एक न एक दिन तुम्हारे जुल्म का खात्मा कर देंगे। देश की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले पीर अली खां ने क्रांति की ऐसी अलख जगाई जो अगले 100 सालों तक धधकती रही। उनकी कुर्बानी क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बन गई और उनकी कहानी मौजूदा पीढ़ी के लिए भी देशभक्ति का नायाब सबक है।